हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदी किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, अब तक तो आपने मीठी मालपुआ, रबड़ी वाला मालपुआ बहुत खाए होंगे। आज चलिए एक नए तरह की मालपुआ सीखते हैं, एग मालपुआ। तो ये मालपुआ खाने में है बहुत ज़्यादा टेस्टी और ये अंदर से कितना खोखला बना है देख लीजिए, एकदम बिल्कुल खोखला। और ये बनाना भी है बहुत आसान और ये कितना नरम बना है मैं आपको काट के एक दिखा देती हूँ। देखिए, अंदर से एकदम खोखला भी है, एकदम नरम कितना है देखिए, एकदम मक्खन जैसे नरम। तो ये बनाना कैसे होता है तो चलिए आज देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बोल में एक कप मैदा। अब मैदे पे मैं मिला रही हूँ एक टीस्पून नमक और स्वाद अनुसार नमक अब मिलाना, एक टेबलस्पून हरी मिर्च बारीकी से काटा हुआ आप अपने स्वाद अनुसार मिलाना, और कैप्सिकम बारीकी से काटा हुआ एक टेबलस्पून। अब मैंने मिला दिया एक बड़ा सा प्याज बारीकी से कटा हुआ। अब मैं गाजर को ग्रेट करके रखा था एक टेबलस्पून, वो भी मिला दिया। अब धनिया के पत्ते बारीकी से कटा हुआ वो भी मिला लिया और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला रही हूँ। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाने के बाद मैंने मिला दिया 3 टेबलस्पून फेटा हुआ खट्टा दही और 3 अंडा। अब मैं इसमें मिला रही हूँ 1 कप पानी। अब सारे चीज़ को मैं बहुत अच्छे से मिला लूँगी। तो अब फ्रेंड्स, कट एंड फोल्ड मेथड में पहले मिलाइए, फिर ऐसे गोल गोल घुमाइए। देखिए, कट एंड फोल्ड मेथड से मैं मिला रही हूँ, जैसे 8 बनाना 8 लिखना। अब मैंने मिला दिया 1/4 कप दूध। अब मैं मिला रही हूँ 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। अब सारे चीज़ को फिर से अच्छे से मैं मिला लूँगी। यह मिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब मैं रख दूँगी, देखिए कितना पतला हुआ है बैटर, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। ऐसे मैं बैटर को रख दूँगी 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट बाद एक फ्राइंग पैन में बहुत सारा वाइट ऑयल ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे डीप फ्राई करना है। तो अब 1 चम्मच करके ऐसे मैं छोड़ रही हूँ और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे रखना अभी। और देखिए, तेल बहुत गर्म हुआ है तभी मैंने छोड़ा है। देखिए कितना सुंदर से फूल रहा है, बिल्कुल पूरी जैसा, देखिए कितना अच्छे से हो रहा है। तो ऐसे मैं सारा फ्राई कर लेती हूँ। तो बन गया मेरा एक मालपुआ। कैसा लगा आज की रेसिपी फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करना।